आप देख सकते हैं कुकिंग में हमारी एक्सपीरियंस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है मास्टर शेफ देख के। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया अब बिना कुछ बनाए बिना किचन में कभी घुसे हम इतना सीख चुके हैं, इतना सीख चुके हैं कि आज हम दिखाने वाले हमारे अल्टीमेट स्किल्स। अब देखो एक्चुअल किचन में जाके बनाने में हमें सिर्फ मैगी बनती तो वो बहुत बोरिंग हो जाता। अरे बन जाता वो क्रेम ब्रूले विद अ क्रैकली चॉप एंड लाइक समथिंग अमेजिंग विद द क्रम्स एंड ऑल दैट। हमें आता सब है ठीक है, पर हमारे घर पर वो नहीं है ना, वो इंग्रेडिएंट नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया वाले। शो को बहुत ज्यादा बिंज कर लिया है। लेमन मेरेंग कौन सी भाषा बोल रही है मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा। एनीवे गाइस आज गेम में कम्पीट करेंगे कि कौन है बेटर शेफ। मास्टर शेफ में वो प्रेशर टेस्ट राउंड होता है ना वैसे, और विनर को मिलेगा ये सोने का चम्मच। अभी हम खेलने वाले हैं पिज्जा चैलेंज। हाय वेलकम टू पापा पेपेस पिज़्ज़ेरिया। मैं बना रहा हूँ पहले। गाइस आई एम इन द प्रोफेशनल मोड। ये लो 30 मिनट टाइमर स्टार्ट्स नाउ। नीचे का ब्रेड उठाना है। कहाँ है ब्रेड? ब्रेड इससे ब्रेड तो... नहीं इसको सीखा है क्या तूने मास्टर शेफ से? इट्स नियोपोलिटन स्टाइल डो। ओवन में जाएगा। अबे ये क्या है, हाथ से सेकेंगे क्या यहाँ पे? ठंड के मौसम में तो मजा आ जाए यार यहाँ पे। पता है अंदर 400 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है। हमें क्या, हम तो गाना गाएंगे साइड में खड़े होके। ओ ये है डो, ये अंडा सीधा ओवन में फेंक दे क्या? तो पिज्जा कैसे बनेगा, उसका डो का गोला बनेगा ना। वो डस्टबिन में फेंक सकते क्या? अरे यार पिज्जा बनाना, उधर शेफ लोग वेट कर रहे जज करने के लिए। अब कूड़े में से निकाल के खिला यार। ओह माय गॉड। अरे यार मेरा डो है अंदर भैया, पिज्जा बनाना है। अरे यार स्टार्ट अगेन। अरे बेलन, अबे ये तो घर वाली फील आ गई। बनाओ पिज्जा अपना। इतना गोल, इतना गोल पत्ता। नहीं यार पहले तो ये डालना होगा ना सॉस। सेव चार्ली, व्हाट आर यू मेकिंग टुनाइट? पत्ता पिज्जा। इट डजंट लुक गुड राइट नाउ एट ऑल। एक टमाटर भी डाल देता हूं भाई। व्हाट आर योर चांसेस ऑफ विनिंग दिस कंपटीशन? आई रियली वांट टू विन। देख क्या पिज्जा लग रहा है यार। दो पत्ते और एक टमाटर। ये ऑस्ट्रेलिया, यहां पर हिंदी नहीं बोलते भाई। सॉस आ गया, डालो तो सॉस घुमा। सॉस डालो। अरे भाई अबे थूक दिया सॉस। बोलो जुबा केसरी। सीधा केसरिया पान थूक थूक दिया भाई यहाँ पे। अभी क्या डालना है हमें? इडली क्या है यार साइड में? इडली डालते हैं हम। इस शेफ नहीं बना जाएगा। ये क्या पिज्जा बन रहा? इट्स मोज़रेला चीज़। अबे तो सीमेंट के कलर का क्यों है ये? कोई कंजूसी नहीं भाई, हम 50 रुपए में 5 लाख का पिज्जा देंगे। ये देखो, ये देखो भाई। तू तो इंडियन फूड ब्लॉगर से इंस्पिरेशन लेना, हमने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। ए साइड से देख, अभी केक लग पिज्जा कैसा लग रहा है? अबे केक बना दिया। अरे बर्थडे स्पेशल पिज्जा, इस पर टमाटर भी रख देंगे एक। आर यू श्योर? सवाल का जवाब दीजिए शेफ। टमाटर इस पे जा क्यों नहीं रहा है? शेफ अभ्युदय। अभी भी उठा सकते हैं उल्टा पिज्जा। Yes! It's magic. क्या पिज्जा लग रहा है यार, अंबुजा सीमेंट की लेयर लग रहा है। ओ ओ भाई। A few moments later. पापा पिज्जा is ready. जला तो wow! माउंट एवरेस्ट थीम पिज्जा, हिमालयन। देख भाई माउंटेन रेंजेस नहीं लग रहे पूरे। भाई इसको तू बीट ही नहीं कर सकते, तू पहले ही हार गई। Press X while pointing at the plate. प्लेट किधर है भैया, प्लेट किधर है? काय पिज़्ज़ा, काय पिज़्ज़ा। कितना आगे फेंक दिया। तेरे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी है एक और पिज़्ज़ा बनाने। अरे यार ये हमेशा जमीन से उठा के खिला देता है, नया बनाता ही नहीं है। कस्टमर को क्या पता चलता है। अरे बाड़ में जा। अब प्लेट उठाना है हमें। ओह भैया पिज्जा रेडी है, पिज्जा। अरे भैया उठ चलो,
भैया उठो, ये ही है। Yes. मैं अपने पिज्जा को नाम दूंगा माउंट किलिमंजारो ऑन टोस्ट। अब देखते तू कैसा बनाती है, बहुत मुझे बोल रही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 मिनट्स ऑन द क्लॉक। यस, ऑन द बेक बोर्ड। देख तू तो पूरा देख चुका है मैंने कैसे किया, ठीक है? तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की एक्टिंग तो ना कीजिए आप मैम प्लीज। मुझे अब सबसे हेल्दी पिज्जा चाहिए और मुझे इसमें टमाटर होना चाहिए। हाँ टमाटर तो चाहिए, तुझसे तो हो नहीं पाया था। मैडम पहले सॉस डाल रही है। यस। अरे मैंने कितना अच्छा स्प्रेड किया, तेरे से भी अच्छा स्प्रेड किया है। रुक यार मैं हेल्दी पिज्जा बनाऊंगी, मैं ये लूंगी बासिल। बासिल डालने बोल रहा है यार। डाल। वाओ 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया। अरे इतना कम चीज, मतलब इतनी कंजूसी डोमिनोज भी नहीं करता यार। ये चीज है कि भाई रोटी का आटा बस बेल के डाल दिए क्या ये? रस्ते के ठेले वाले फूड ब्लॉगर ही खाए ना कभी। अरे तो एक फूड ब्लॉगर नहीं आएगा। अब ये बेसिल हम डालेंगे। थ्रो। वाओ कितना घटिया लग रहा है, मैंने कितना अच्छा एक एक पत्ता डाला था भाई। ये क्या है, ये झाड़ डाल दी तूने पूरी। अरे हेल्दी है मेरा पिज्जा, देखो यार इसने बनाया था चीज पिज्जा, हम बनाएंगे पत्ता पिज्जा, वो होगा ना थोड़ा यूनिक। तो झाड़ डाल दोगे क्या पूरा? अरे यार बस एक पत्ता डल जाए यार ठीक से, झाड़ पत्ते वाला थोड़ा पिज्जा हो ना तभी जाके थोड़ा मजा आएगा। इसकी तरह नहीं, चीज खिलाना है तुझे? मुझे खाना है, बहुत अच्छा लगता है हेल्दी पिज्जा। बोट को खिलाना है क्या? ये क्या ये घास चर रहा है? अरे तू नहीं समझ रहा, तेरी तरह शेफ की इंसल्ट कर रही, गाय हम लोग। ये देखो मेरा पिज्जा साइड से केक लग रहा है, नहीं ना रियल पिज्जा लग रहा है ना। पिज्जा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, काम कर मैं सजेशन देता हूँ, वो पिज्जा उठा एक बार और यहाँ डस्टबिन में लाके फेंक दे। शेफ अभ्युदय एक 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 थ्रो में मदद कर दीजिए सर। इसके लिए मरा था वो मुर्गा। थ्रो। मुझे उठा लो, मेरी भूख मिट गई है, मेरी भूख चली गई, मुझे एक महीना भूख नहीं लगी है देख के यार। तो अब हमारा क्या कह सकते हैं, भूख मिट चुकी है जज की और कंटेस्टेंट अभी भी खाना बना रहे हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। कितने मिनट बाकी है 30 मिनट्स के चैलेंज में से, जल्दी बता। 30 मिनट्स के चैलेंज क्या, 1 घंटा हो चुका है। टमाटर मेरे में मस्त है, मैंने पहले ही बोला था मैं नहीं दे, मैं टमाटर के बिना खाऊंगी नहीं। नहीं चाहिए टमाटर, नहीं चाहिए टमाटर, मुझे एक्चुअली कुछ खाना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपना रेस्टोरेंट। हाँ उस पे गिर गया, उस पे गिर गया, उस पे गिर गया। बस बस हाँ उठाओ टमाटर, कहाँ रह गया अब? इसका उठाना है। अच्छा तूने यहाँ पकाया था ना, मैं यहाँ पकाऊंगी। अरे अरे जलने लगा, अरे जलने लगा, मेरे पीछे जलने लगा। जल जा खाने से तो अच्छा ही है, प्लीज जल जाए, मुझे नहीं खाना प्लीज। पिज्जा जलने लगा। हाँ नहीं चाहिए, जला दे। अरे उठाओ पिज्जा। क्या ये? ये रेड वेलवेट केक पे धनिया रख दिया किसी ने? आपके फार्म वार्म पे किसी के कोई एनिमल्स है जो घास चढ़ते हैं, प्लीज उनको ये पिज्जा खिला दीजिए, ये मेरे लिए हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। पत्ते दिख रहे हैं भाई, वाओ खिड़की पे रख दिया। हाँ कौओ को खिला दे, एक्चुअली उनके लिए कौओ को खिला दे। अरे क्या हो रहा है, मैं तोड़ दूँ पिज़्ज़ा का है मेरा। ओह शिट, टॉपिंग के इट इज वेयर इट डिजर्व्स टू बी। अब इसमें कांच के टुकड़े होंगे यार, ये तो उठा भी नहीं रहा पिज़्ज़ा। क्या बात है, प्लेट ऊपर रख। मैडम को रिस्क लेने के बहुत शौक है। Why are we still here? Just every night. अब नया उठाओ प्लेट। Good, good, good. You're doing well. पिज़्ज़ा पील उठाना है। अब पिज़्ज़ा पील उठाना है और उससे पिछवाड़ा पीटना है। Don't tell me. जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। एक लास्ट ट्राई कर ले, पिज्जा में भी पत्ते से ज्यादा कांच के पीस है भाई। पिज्जा पील से पिज्जा, तो पिज्जा को हाथ से उठा भी नहीं सकते, ये कहाँ का लॉजिक है मतलब। पिज्जा पे एम कर। हाँ। हाँ।
गुड गुड, अब प्लेट पे डालो, कम ऑन गौतम, यू कैन डू इट। मैं इतना धीरे जाऊंगी ना, इतना धीरे कैसे ये? So guys, I think अब हमें यही खत्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। Pizza aim. Yes, yes, plate aim. आज की पार्टी मेरी तरफ। चल अब सर्व कर ले। Yes, keep खत्म होने वाला। Yes. Press X while pointing at the serving table. पिज्जा कहाँ गया? पिज्जा एक सेकंड, प्लेट पे से पिज्जा कहाँ गया? हे प्लेट पे से पिज्जा कहाँ गया? अरे पिज्जा कैसे पिज्जा कहाँ गया? देखो क्या सर्व हुई है, एक खाली प्लेट। 2 घंटा किचन में लगाने के बाद गए, खाली प्लेट सर्व हुई। क्या किचन की हालत, वाओ, टूटी प्लेट्स, यहाँ एक पत्ता पड़ा है, एक चिकन का पीस पड़ा है रैंडम। एक आखिरी बार, कम ऑन उठा ले। पिज्जा सिलेक्ट होने का ऑप्शन, या अब ऑप्शन नहीं आ रहा, पिज्जा भी आना नहीं। वेरी नाइस, गार्ड दे उसमें। क्या बात है, किचन और सुंदर हो गया गाइस। यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर एवर, किचन में घुसना मत आज के बाद। गाइज हम कमेंट्स में पूछने वाले थे कि बताओ विनर कौन है, बट क्लियरली आपको पता है कि कौन जीता है। हाँ क्लियरली आपको पता है कि मेरा पिज्जा भले सर्व नहीं हुआ लेकिन वो ज्यादा हेल्दी था और बेटर लुकिंग था, राइट? जो सर्व ही नहीं हुआ उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, खाली प्लेट भी इसके चीज के बाहर से बहुत बेटर है। बताओ क्या बेटर था, खाली प्लेट या मेरा चीज का पहाड़? और असली कॉम्पिटिटिव कुकिंग प्रॉपर स्किल्स वाली देखने के लिए आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया फैंस एंड फेवरेट। ये आपको देखना ही चाहिए ताकि आपका दिमाग क्लेंज हो, थोड़ा क्लीनिंग हो जाए आपके माइंड की, और थोड़ी ढंग की कॉम्पिटिटिव और प्रॉपर कुकिंग आप देखो। आधे ज्यादा लोग वैसे भी मास्टर शेफ उसके लिए देखते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना देख के मुंह से लाल टपकाने के लिए, बिल्कुल भूख फील करने के लिए। मैं जा रहा हूँ अभी कुछ खाने। बाय।